डिंग्रोप्रिएट रिवॉर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेश के अंदर जो मुख्तु रिवार्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं रिवार्ड बेसिकली आउटकम बेस्ड होता है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है रिवार्ड इंट्रेनजिक होता है एक्सट्रेंजिक होता है इंट्रेनिजिक रिवॉर्ड की अगर आप इसको कहते हैं वेल डन यू आर डूंग गुड ये इंट्रेंजिक रिवॉर्ड है एक्सट्रेंजिक अगर आप उसको कैश प्राइज़ देते हैं तो ये उसके लिए एक्सट्रेंजिक रिवॉर्ड है इसको हम लोग अभी हम देखते हैं ओपन बुक मैनेजमेंट इन्वाल्विंग एम्प्लाई इन वर्क प्लेस डिसीजन बाई ओपनिंग अप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एम्प्लाईज़ के आगे ओपन कर दी जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अनर इक्विटी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं ये चारों चीज़ें इंप्लाईज़ के आगे ओपन कर दी जाती हैं उनकी सुजेशन ली जाती हैं कि बताएं हाउ कैन वी इम्प्रूव जब उसके लिए वो एफर्ट पुट करते हैं और इनके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बेटर होते हैं तो उस बेस पे उनको रिवार्ड दिया जाता है इम्प्लाई रिकगनीशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करती है जिसमें इम्प्लॉइज़ को रिकगनाइज़ किया जाता है कि इम्प्लॉज़ ऑफ़ द दम्प्लॉज़ ऑफ द वीक इम्प्लॉज़ ऑफ द मंथ इस तरह इम्प्लॉज़ रिकिगनीशन फेल करते हैं जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉज़ को एक वीक के लिए हॉलीडेज़ के लिए किसी और कंट्री में भेज दिया जाता है दीज़ आर एम्प्लॉज रिकगनीशन प्रोग्राम पे फॉर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की परफार्मेंस को देखते तो हुए पे किया जाए उनके रेट में इजाफा कर दिया जाए बोनसेस दिए जाए सैलरी में इजाफा कर दिया जाए एनुअल इंक्रीमेंट में इजाफा कर दिया जाए इसको डी स्टूडेंट्स हम पे फॉर परफार्मेंस बोलते हैं और लास्ट स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यहाँ पे जिस यह चीज़ पे हमारा फोकस है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो शेयर हैं अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको मालूम है कि उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं और लोगों को ट्रांसफ़र किए जाते हैं अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर कोई अच्छे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो उनको ये ऑप्शन दी जाए कि जो शेयर है उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे ताकि वो एम्प्लॉज से एम्प्लॉयर का जो फेज़ है उसको अचीव कर सके जब एम्प्लॉज से आप एम्प्लॉय बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी लॉयलिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा डिवेल्प हो जाएगी जब लॉयलिटी ज़्यादा डिवेल्प हो जाएगी तो आप एज ए इम्प्लाई नहीं सोचेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन का एज ए इंप्लायर सोचेंगे तो इसको हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम्स